हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आईजी नोबेल प्राइज 2020 जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं अनिल धस्माना। अनिल धस्माना NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सीमांचल दास को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। IMF के कार्यकारी निदेशक के नया सलाहकार नियुक्त किया गया है सीमांचल दास को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है? तो ये हुआ है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉन टर्नर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग में इसका कैंसर के कारण निधन हुआ है? तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी ये रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिनका निधन हो गया है। किस भारतीय युवा को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो वो हैं उदित सिंगल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। उदित सिंगल को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो ये किया है यूपी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? तो करेक्ट आंसर है इसका डेनमार्क। डेनमार्क में पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। गुजरात की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। किस भारतीय को हाल ही में गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका विकास खन्ना। विकास खन्ना इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद शहर को प्रथम स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बो डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बो डे मनाया जाता है। हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 116वां स्थान मिला है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर है इसका SBI। SBI के साथ मिलकर टाइटन कंपनी ने भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो क्रिकेट से संबंधित थे सदाशिव पाटिल, जिनका निधन हो गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो योशीहिदे सुगा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो वो है अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ दी है। हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? वो है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है?
तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है, अभियांत्री दिवस और ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर को और इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर दिया है यूपी सरकार ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत की कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो वो है टेको कोनिसी। टेको कोनिसी को भारत की कंट्री डायरेक्टर के तौर पर एशियाई विकास बैंक ने नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।